सलामत रखे अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा। आपके यहाँ की ईद का तो वाकई कोई जवाब नहीं, खुदा का सब काबुल याद आ जाता है। सब खुदा का फैसला है भाई, तुम भाई। ईद मुबारक गंगू। ईद मुबारक भाई। यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? वो इज्जतदार लोगों में बेइज्जती जरा ज्यादा लगती है, ये आपके लिए सेवैया बनाई है। तूने बनाई? जी पहली बार। फिर तो खानी पड़ेगी, बैठ। हाँ। परेशान लग रही है? नहीं, वो मोहल्ले में बड़े घरवाली के इलेक्शन सर पर है। जीतूंगी तो कमाटीपुरा की नई प्रेसिडेंट बनूंगी मैं, लेकिन सामने वो रजिया खड़ी है। और तू रजिया सुल्तान, भरोसा रख, जीतेगी। हाँ भाई, लेकिन इलेक्शन में भरोसा कहाँ, सिर्फ पैसा चलता है। कितना चाहिए? उधार समझ के रख लेना। कुछ और मांगू? कमाटीपुरा में आपके शराब का धंधा मैं संभाल लूं तो? भाई कस्टमर शराब पी के आते तो कमाटीपुरा में ही है, अब सोचो अगर उन्हें शराब कोटे पे ही मिल जाए तो? भाई चाहिए तो बाटली लेनी पड़ेगी, और ऐसे थोड़े पैसे हम भी कमा लेंगे। बहन से शराब का धंधा करवाऊंगा। इस पठान ने वतन छोड़ा है, वसूल नहीं। अगली बार सेवाओं में बादाम जरा ज्यादा डालना। भाई माना की बात गलत है, लेकिन इरादा नेक है। सवाल उसूल का नहीं, कमाटीपुरा की औरतों की जिंदगी का है, और उनके लिए मेरा ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। इलेक्शन जीती तो उनके लिए सोच सकूंगी, लड़ सकूंगी, शायद उनकी जिंदगी बदल सकूंगी, वरना रजिया ऐसी सबका जीना हराम करती रहेगी। बाकी आपकी मर्जी। तेरी नेकी इस पठान के असूलों पे भारी है। आज से तू हमारी बिजनेस पार्टनर। कमाटीपुरा की शराब की बिक्री में 20% तेरा। ये एहसान आपने सिर्फ गंगू पर नहीं बल्कि कमाटीपुरा की 4,000 औरतों पर किया है। झुकते सिर्फ खुदा के आगे। नया धंधा नई गाड़ी, पर भाई ये तेरी ही थी, और साथ में बिजनेस कार्ड भी छपवा लेना। गंगू भाई माफिया क्वीन।